سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك as i travel through the earth I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop, says as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the sea. أوصي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़ल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं है और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहलो आयाल पर और उनके सहाबा पर जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर मुझसे ग़लती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ़ से हो रबे शि सदरी वसली अमरी मिन लिसानी याबह कौली السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدухا शुरू करते हैं। वदुहा कसम है रोज़े रावशन की। वल्लाइली इज़ा सज़ा और रात की जब वो ढांपे। मा वद्दाका रब्ब का वा माक़ला नहीं छोड़ा तुझको तेरे रब ने और ना वो नाराज़ हुआ। वल आख़िरतु ख़يرुल मिनल अलूला और अलबत् आखिरत अंजाम बेहतर है तेरे लिए इब्तदा से पहले से और वाला सोफा यब और तलबत्न करीब अता करेगा तुझको तेरा रब तो तू राजी तो खुश हो जाएगा अलम यजिद का यतीम फ़ आवा क्या नहीं पाया तुझको यतीम फिर उसने ठिकाना फराहम किया व वजत का दौलनफहदा और पाया तुझको राह भूला तो उसने हिदायत बख्शी व वजत का आय अगना और पाया तुझको मुफलिस तो उसने गनी कर दिया व अमल यतीम फला तकहर तो लेकिन यतीम को पस ना सख्ती करो वम तनहर और लेकिन सवाली को बस ना झिड़को व बिन अमत बेनमत रब का फ़खदिस और लेकिन नेमत को अपनी रब की पस बयान करो बाहर तर्जुमा भी लेंगे अब धूप चढ़ने के वक्त की कसम और रात की जब वो छा जाए ए नबी अलैहि वसल्लम आपके रब ने आपको ना छोड़ा और ना नाराज़ हुआ और यकीनन आपके लिए आखिरत दुनिया से बेहतर है दुनिया से बहुत बेहतर है और जल्द जल्द आपका रब आपको ज़रूर इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे क्या उसने आपको यतीम ना पाया फिर ठिकाना ना दिया और आपको नावाफ रा पाया फिर हिदायत बख्शी और आपको तंग दस्त पाया फिर मालदार कर दिया लिहाजा आप यतीम पर सख्ती ना करें और सवाली को ना झिड़कें और अपने रब की नेमत का जिक्र करते रहें अब हम तफसर व तशरी लेंगे सूरअो का तारुफ इस सूरत के पहले ही लफ्ज़ा को इसका नाम करार दिया गया ये सूरत मक्के मौजुमा के पहली इब्तई दौर में नाजिल हुई हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और दो तीन रातें आपने ख़याम ना किया तो एक औरत आपके पास आई और कहने लगी ए अलैहि वसल्लम मालूम होता है कि तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है दो या तीन रातों से मैं देख रही हूँ कि वो तेरे करीब नहीं आया उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फ़रमाई सही बुखारी की ये हदीस है और ये औरत अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी वही का सिलसिला रुक जाने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली परेशानियों से तसल्ली देना और कमज़ोरों और मिसकिनों के साथ हसन सलूक की ताक़द करना और अल्लाह ताला की इनामत का इज़हार करना इस सूरत का मौजू है सूर्य अदहा मक्की है इसमें जो है सो ग्यारह आयतें हैं एक रुकू है चालीस कलमात है और एक सौ छसठ हरूफ हैं अश्ट और रात की कसम काफिरों के प्रोपेगेंडे के मुकाबले में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की कसम खाकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसली दी है कि आप इत्मीनान और तसली से रहे आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना आप उससे यानी और और ना आपसे नाराज़ ही हुआ है अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की कसम खाकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसली दी है कि आप इत्मीनान और तसली से रहे आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज़ हुआ है उनमें पहली कसम चाश्त यानी चढ़ चढ़े हुए दिन की जो दिन चढ़ता है उसकी है फिर चाश्त उस वक्त को कहते हैं जब सूरज बुलंद होता है यानी इसे मुराद पूरा दिन पूरा दिन है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त नफिल नमाज पढ़ा करते थे इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाह रहमुल्ल बयान करते हैं कि हमें उम्मे हानी रदील तुके के सिवा किसी ने यह खबर नहीं दी कि उन्होंने अलैहि सल्लम को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखा उम्मानी रजील्ला उन्होंने बयान किया कि फ़तेह मक्का के दिन अलैहि सल्लम मेरे घर में वसल फरमाया और आठ रकातें पढ़ी। मैंने ऐसी हल्की फुल्की नमाज़ पढ़ते आपको पहले कभी नहीं देखा बल्कि आपने रुकू और सजदे पूरे किए सही बुखारी की हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी चाश्त के नफिल पढ़ने की ताकीद फरमाई है हज़रत अबू ताला तैन बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन चीज़ों की नसीहत की हर महीने तीन रोज़े रखे दो रकात चाश्त की नमाज पढ़ नमाज़ पढ़ने और सोने से पहले वितर अदा कर लेने की यह भी सही बुखारी की हदीस है चाश्त की नमाज की फजीलत बयान करते हुए एक मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक इस हाल में सुबह करता है कि उसके ज़िम्मे उसके हर जोड़ पर सदका होता है बस हर बार सुबहान अल्लाह पाक है कहना सदका है हर बार अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब तारीफें के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, लिए हैं कहना सदका है हर मरतब ला, इला ला अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है कोई मबूद बरहक नहीं कहना सदक है हर मरतबा अल्ला अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है कहना सदका है नीके का हुक्म देना सदका है बुराई से रोकना सदका है और उनके मुकाबले में चार्ज की दो रकातें ना किफ़ायत कर जाती हैं जो कोई इन्हें अदा करता है सही मुस्लिम की हदी से अब जो सो दूसरी कसम अल्लाह ताला ने दूसरी कसम खाई है रात की और जब वो छा जाए यानी जब मुकम्मल अंधेरा हो जाता है क्योंकि उस वक्त हर चीज़ स्टिल हो जाती है साकिन हो जाती है दिन और रात की कसम खाकर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ये बात समझाई है कि ज़माने का मिजाज ही ये है कि वो कभी एक हाल पर क़ायम नहीं रहता यहाँ कभी अंधेरों का राज होता है और कभी उजालों का कभी एक तरह के हालात सामने आते हैं तो कभी दूसरी तरह के जब सूरत हाल ये है तो आप अपने हालात के बारे में क्यों मंद होते हो आप उम्मीद रखें अगर आज हालात कुछ सख्त हैं तो कल ज़रूर नरम हो जाएंगे आज अगर कुछ मुश्किलात का सामना है तो कल आसानियाँ भी आएंगी ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दुनिया से आखिरत बेहतर है अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तसली देते हुए फरमाया कि ये कुफ़ार और मशरकिन जो आपको ताना दे रहे हैं ये दुनिया में तो देख ही लेंगे कि वो सरासर गलत थे हम उससे आगे आखिरत के इनामात का भी आपसे वादा करते हैं क्योंकि यकीन आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है इसलिए कि आखिरत में अल्लाह ताला ने अलैहि वसल्लम को जो इज़्ज़त और बुलंदी अता फ़रमानी है जिन नेमतों और करामतों से आपको नवाजना है दुनिया में उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता तो दुनिया में आइंदा हालात आपके पहले हालात से बेहतर होंगे और आपके एहतराम व बखार में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होगा इसलिए आप ये गुमान ना करें कि मैं आपसे नाराज़ हूँ बल्कि हर हर नया सूरज आपकी अजमत और बुलंदी की नवीद लेकर ही तुलू होगा अल्लाह वसल्लम को इस तरह से तसली दे रहे थे आप राज़ी हो जाएंगे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसली देते हुए मजीद फ़रमाया कि आप फिक्र ना करें आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे अल्लाह ताला ने ये मुतन करके नहीं बताया कि आपको क्या देगा बल्कि आम बात की कि आपकी हर पसंदीदा चीज़ आपको मिलेगी यहाँ तक कि आप राज़ी हो जाएंगे आपकी पसंदीदा चीज़ों में दीन इस्लाम की तरक् कलमा तोहद का पूरा दुनिया में फैलना फिर उम्मत की ज़रूरत का पूरा होना आपका दुश्मनों पर गालिबाना और उनके मुल्कों में अल्लाह ताला कलमा बुलंद करना और दीन हक़ को फैलाना सब दाखिल है फिर क़्यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपकी शफात को कबूल करके गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल करके आपको राजी करेगा जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज रदिल्लाहु तआला अनु बयान करते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में अल्लाह ताला का यह फरमान तिलावत फरमाया रब्बि इन्ना हुन्ना कसीरम मिनन्नास फमन तबिअनी फैनहु मिननी ऐ मेरे रब्बी शक इन्होंने बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है फिर जो मेरे पीछे चला तो वो यकीन वो मुझसे है ये सूर इब्राहिम की आयतें हैं फिर वो आयत तिलावत फरमाई जिसमें सैदा सलाम का खौल है इन तो हम फ्म इबाद व इन तगफ़िलह फ़ाका तला अज़ीज़लहम अगर तू इन्हें अजाब दे तो आ, अगर तू इन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं अगर तू इन्हें बख्श दे तो तो बेशक तू ही सब परालिब कमाल हमत वाला है सूरह मायदा की आयत है फिर आपने दोनों हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत और आप रो पड़े अल्लाह ताला ने जिब्राइल सलाम से कहा अः जिब्राइल मोहम्मद सल्लम के पास जाओ जबकि तेरा रब बखूबी जानता है कि वो क्यों रो रहे हैं और उनसे पूछो कि किस चीज़ ने आपको रुलाया है चुना फिर ज़ब्रा सलाम आपके पास आए और आपसे पूछा आपने जो कुछ कहा था बयान कर दिया ज़ब्रा सलाम ने अल्लाह ताला के पास जाकर अर्ज की हालांकि अल्लाह खूब जानता था फिर अल्लाह ताला फरमाया एज इब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे कह दो हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर हम आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे और नाराज़ नहीं करेंगे तो हमें चाहिए कि आप आपली पर दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि आप उम्मत की इतनी फ़िकर करते थे अल्लाह से रो कर दुआ करते थे उम्मती, उम्मती। अल्लाह ताला हम सब को अता फरमाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व सलाम पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा अता फ़रमाए आमीन गुज़िश्ता एहसानात की याद दहानी अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला ज़माना याद दिलाया है ताकि आप अपने रब के एहसान और फजल व करम को महफूज रखें और किसी दुश्मन की बात पर बात पर गमज़दा ना हो तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें आप बाप के सहारे से महरूम थे अल्लाह ताला ने अपनी निगरानी में आपकी परवरिश की आप पहले अपने दादा अब्दुल मुतलब की कफालत में रहे आठ साल की उम्र में दादा की वफ़ात के बाद अपने चाचा अबू तालिब की कफालत में आ गए और उन्होंने कफालत का हक़ इस तरह अदा किया कि नबूवत के बाद आपके हिमायती और मददगार भी बने इसी तरह आपको दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था हमने आपको राह याब किया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको राह दिखाई नबूवत से नवाज़ा और किताब नाजिल की वरना उससे पहले आप हिदायत के लिए सरगर्दा थे जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है माकुन तदरी मल किताब वलल ईमान वला किन जाल ना हनूर नह दी भी मन नशा मन नशा उमिन इबादिना आप पहले नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है और लेकिन हमने उसे नूर बनाया हम उसके ज़रिए से अपने बंदे में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं सूर्य शोरा की आयत है ये उससे बड़ा अल्लाह ताला का और क्या एहसान हो सकता था जब ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया है तो अब वो क्यों आपका साथ छोड़ देगा इसी तरह आप तंगदस थे आपके वालिद ने विरासत में सिर्फ एक ऊटनी और एक लांडी छोड़ी थी जिससे आपकी ज़िंदगी की इब्तदा जो है सो तंग दस्ती में हुई यानी आपके वालिद जो है सो विरासत में सिर्फ एक नहीं और एक लॉन्डी छोड़े थे तो आपकी जो शुरू की ज़िंदगी थी वो जो है सो तंग दस्ती में हुई फिर एक वक्त ऐसा आया कि खुरेश की सबसे ज़्यादा मालदार खातून सैदा खदीजा रत त से आपकी शादी हुई यानी आपसे खदीजा रत तन आपसे शादी कर ली और उनकी तमाम तिर, तमाम तजारती कारोबार को आपने संभाल लिया यानी खदीजा के पास बहुत माल था और वो जो है सो बिजनेस करते थे तो आ, उनका जो कारोबार था आप ने लिया तो इस तरह आप जो है सो मालदार हो गए तो अल्लाह ताला ने अपने सिवा आपको हर एक से बेनियाज कर दिया यानी आप सलम जो है सो दुनिया से बेनियाज हो गए सिर्फ़ अल्लाह के सिवा तो फिर आप जो है सो यानी आप सलम जब तंगदस्ती थी तो उसमें भी आप जो है सो सब्र करते रहे यानी साबिर थे और जब मालदार हुए तवंगरी में क्या करे शाकिर रहे यानी अल्लाह का शुक्र करते रहे लेकिन असल गिना तो दिल की गिना है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि गिना साज व सामान की कसरत का नाम नहीं यानी दुनिया का जो सामान है कीमती से कीमती अगर सामान है तो वो जो है सो उससे इंसान अमीर नहीं होता उससे दौलतमंद नहीं है यानी असल गिना तो दिल की गना है दिल का अमीर होना है ये अक्सर हम सुनते हैं ना कि दिल का अमीर होना है आ, ये साज व सामान यानी ये जो चीज़ें हैं दुनिया के जो सामान हैं वो अगर क़ीमती तो कीमती भी अगर हो तो वो अमीर नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल अमीर नहीं हो यानी वो दिल की गिना आ, असल गिना तो क्या है दिल की गिना है अब यहाँ पर जो है सो अल्लाह के एहसानात का शुक्रिया है तो अल्लाह ताला ने अपने एहसानात बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ों की तलखिन की है ये असल में आप सल्लम को तलखिन करना यानी आप सल्लम के ज़रिए से हम सब तक हम सब को ये तलखीन करना है यानी ये जो भी आप पर वही नाजिल होती और जो भी अल्लाह ताला आप को करते यानि वो हम हमको भी वही करना है यानि हमारे लिए है ये सब आप के ज़रिए से हम तक ये पहुंचा है अल्लाह ताला ने आपको जब ऐसा किया तो यानि वो हमारे लिए है तो पहला तो ये है कि आप यतीम पर सख्ती ना करें बल्कि उसकी खबरगिरी करें यानी उसका हाल चाल पूछें और गैर खाही करें और उनके बारे में ख़बरगिरी करें और यतीम के जो है सो उनका हाल चाल पूछते रहें और यतीम की देखभाल करते रहें ये सारी चीज़ें आएंगी तो फिर उन उस पर जो है सो शफकत से भी हाथ रखें और उसकी दिल शिकनी से इज्तनाप करें ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसके दिल को तकलीफ़ हो तो यानी ऐसी सारी चीज़ों से बचें फिर दूसरा ये कि सवाल करने वाले को ना डांटे यानी जो मांगते हैं उनको डांटते हैं अक्सर देखा गया है जो मांगने आते हैं तो उनको छिड़कते हैं उनको डांटते हैं उनको डरा कर भगाते हैं तो इस तरह से ना करें उससे जो है सो सख्ती और तकबुर ना करें यानी वैसे लोगों से सख्ती भी नहीं करना है और उनके साथ तकबर भी ना करें और ना सख्त और तलख लहजा इख्तियार करें यानी कड़ सख्त लहजे से उनको यानी सख्त लहजा जो है सो अपनाना नहीं है उनको जो है सो नरमी से बात करना है बल्कि जवाब भी देना हो तो प्यार व मोहब्बत से जवाब दें ये अल्लाह वसल्लम को तलखीन कर रहे हैं इन बातों की यानी ये सारी बातें उम्म मुस्लिमा के लिए है यानी हम सब को यही करना है जो अल्लाह ताला ने तलख़ीन की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने जो आप पर एहसानात किए हैं एग्ज़ाम्पल आपको हिदायत और नबोत और रसालत से नवाजा फिर यतीमी के बावजूद आपकी सरपरस्ती का इंतज़ाम किया फिर आपको जो है मालदारी और कई चीजें अता की तो आप उन नेमतों का शुक्र एहसान के जज्बे के साथ बयान करते रहें तो फिर इससे क्या मालूम हुआ इससे यह मालूम होता है कि अल्लाह ताला के एहसान का तस्करा और उनका इजहार अल्लाह ताला को पसंद है तो हमें चाहिए कि जब भी अल्लाह ताला कोई भी नेमत से नवाजे तो उसका इजहार भी करे और उसके एहसान भी यानी उसके एहसान का तस्करा भी करे और जो है सो शुक्र भी अदा करे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद ग्रामी हैं बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसकी नेमत का असर यानी उसका जो नेमत अल्लाह ताला दिए तो वो उसका निशान उसके बंदे पर देखा जाए यानी अब अल्लाह ताला किसी को बहुत माल दिया दौलत दिए लेकिन वो अपने हाल को इस तरह से जाहिर करता है कि वो गरीब है बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के फिरता है और हालत डाल के रहता है वैसा नहीं रहना है जितना भी अल्लाह ताला ने दिया है तो उसको यानी जाहिर होना है कि हाँ इसको अल्लाह ताला ने नेमतें दी है उसके चेहरे से उसके लिबास से जाहिर होना है तो ये नेमतों का असर जो है सो बंदे के ऊपर दिखना चाहिए तो ये है यानी लेकिन तकबर और फख्र के तौर पर नहीं यानी अब ये अगर किसी को माल दिए तो बिल्कुल फ़ख्र से तन कर और खूब अच्छे कपड़े पहन के लोगों के सामने ऐसा तन कर रहता तो वैसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजल व करम और उसके एहसान की शुक्रगुजारी के लिए और उसकी ताकत से डरते हुए कि कहीं वो इन नेमतों से महरूम ना कर दे यानी ये नेमतें ना छिन जाए तो ये डरते हुए करना है तो अल्लाह ताला हम सब को तोफ़ी दे और गुरूर व तकबर से भी बचाए और हमको एहसान करने वाला और शुक्र अदा करने वाला भी बनाए आमीन या रमलमीन आयत मुबारक की हिमत और तकाजे अल्लाह ताला ने चाश्त के वक्त और रात की और उनके अजमत के बाद ख़सम खाई है जिससे ज़माने और वक्त की अहमियत व कदर वाज़ होती है और अल्लाह ताली के यहाँ रसूल का मुकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है दुनिया की आर्जी में मुश्किल तो बहरहाल कट ही जाती है मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनका अजर व सवाब बेमिसाल मिलता है शर्त है कि सब्र किया जाए अल्लाह ताला ने अपने रसूल अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामत से नवाज़ा यतीमी में अपनी निगरानी में परवरिश की फिर तंगदस्ती के बाद मालदारी की नेमत अदा की और नबोत और रिसालत के बुलंद मनसब से नवाजा फिर तमाम लोगों को बिलखसूस बुलंद मुक़ाम व मर्तबे वालों को यतीमों और सवाल करने वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए जो जिसके पास माल ज़्यादा है मुकाम है तो वैसे लोग जो है सो और जो सवाल करने वाले हैं यानी जो मांगने वाले हैं सवा तो उनके साथन सलूक से पेश आना चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और फख्र व गुरूर के बग़ैर उनका इजहार भी करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उसे पसंद करता है सूर दुहा में हक़ की तरफ दावत देने वाले तमाम लोगों के लिए शफकत और मोहब्बत का पैगाम और रोशन हदायत है कि उन्हें मसायब और मुश्किल

وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت